राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें व ज्योतिष के प्रेमियों तक इसे पहुंचाना ना भूलें। सूर्य खाना नंबर 6 में क्या फल करता है लाल किताब के अनुसार, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य खाना नंबर 6 में हो तो ऐसे इंसान के लिए लिखा गया है कि पाँव की खराबियाँ ऐसे शख्स को झेलनी पड़ सकती है या मामा खानदान या मामू खानदान में तकलीफ़ आने के चांसेस हैं। ऐसे इंसान को राजदरबार से फ़ायदा होता है, लाभ मिलता है, कोई नौकरी प्राप्त कर सकता है या व्यापार कर सकता है राजदरबार के साथ। ऐसा इंसान ये खुद या इसका बाप एक बार ज़रूर राजदरबार से लाभ उठाएगा, फ़ायदा उठाएगा। हाँ, दोनों एक समय में इकट्ठे राजदरबार से लाभ या फ़ायदा नहीं उठा सकते, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा बात की जाए तो सूर्य खाना नंबर 6 में हो तो ये इंसान थोड़ा गुस्साखोर हो सकता है, थोड़ा स्वभाव से गर्म हो सकता है। और सूर्य खाना नंबर 6 के फल में कहा गया है कि ऐसे इंसान को कई बार सफ़र बहुत करने पड़ सकते हैं, खास समय में जब केतु भी उस समय खाना नंबर 1 में हो, तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है कि राजदरबार से या वैसे ही संबंध में कोई सफ़र बहुत करने पड़ सकते हैं या नौकरी घर से दूर रहे या व्यापार के सिलसिले में घर से दूर जाना आना पड़े ऐसे इंसान को। इसके अलावा बात की जाए सूर्य खाना नंबर 6 में हो तो उस समय इससे इंसान को राजदरबार से कई बार खराबी का सामना करना पड़ सकता है या व्यापार या नौकरी से खराबी का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि तब्दीलियां बहुत करनी पड़ती हैं अपने रिजक को लेकर, नौकरी या व्यापार को लेकर। मगर जिस दिन से ऐसे इंसान को लड़का पैदा हो जाएगा, ये सभी परेशानियां इसकी दूर हो जाएगी, फिर ये जो कार्य कर रहा है या जो नौकरी कर रहा है वहीं पर स्थिर हो जाएगा सदा के लिए। इसके अलावा सूर्य खाना नंबर 6 में हो तो उस समय हमें सेहत की खराबियां, यानी कि सूर्य खाना नंबर 6 वाले को सेहत की खराबियों का सामना करना पड़ सकता है, तो उस समय में इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ससुराल खानदान से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने से बचें या उनके साथ झगड़ा बिल्कुल ना करें और बुध से संबंध अच्छे रखें। कहने का मतलब है बहन बुआ बेटी मासी के साथ संबंध अच्छे रखें। अब कुछ योग हैं लाल किताब में, सूर्य खाना नंबर 6 में हो उसी समय अगर शनि खाना नंबर 12 में आ जाए, 12 में आ जाए तो इसकी औरत को सेहत को लेकर खराबियां झेलनी पड़ सकती हैं या औरत पर औरत मरती जावे ऐसा कहा गया है, यानी कि कोई अच्छी शारीरिक परेशानी आ जाए जिससे कि कारण उसको जीवन और मृत्यु के बीच में झूलना पड़े। सूर्य खाना नंबर 6 में हो, मंगल खाना नंबर 10 में हो, उस समय में इसके लड़के पर मुसीबत आती है, यानी कि केतु को लेकर परेशानियां का सामना करना पड़ता है, यानी कि लड़के पर लड़का मरता जाए ऐसा लिखा है, पर मैं मरता लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा। मैंने जो देखा है वो ये है कि सेहत को लेकर कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि लड़के को परेशानी कोई बड़ी आ जाती है। सूर्य खाना नंबर 6 में हो तो चंद्र की मदद ज़रूर लें, यानी कि घर में घोड़ी आप कायम कर सकते हैं, दरिया का पानी कायम कर सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर गंगा जल हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो दरिया का पानी आप रखें, और साथ में चावल भी रख सकते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि आपको सूर्य के अच्छे फलों की प्राप्ति हो। इसके अलावा सूर्य खाना नंबर 6 में हो तो किसी की भी दुश्मनी इसके साथ हो सकती है, और विशेष तौर पर यानी कि जिस होता गया है ऐसे इंसान को एक प्रॉब्लम आती है कि इसका प्रभाव दूसरों पर बहुत अच्छा पड़ता है और इसको इज्जत मान की प्राप्ति होती है, तो इसको काटने की कोशिश करते हैं या कोई जेलसी वाइस से दुश्मनी रखते हैं। ख़ास तौर पर अगर ये राजदरबार में हो तो इसकी दुश्मनी हो जाती है कई लोगों से, इसके जो सहभागी होते हैं, तो उनसे बचने के लिए यहाँ पर हमें मंगल का उपाय सर्वोत्तम है, यानी कि भगवान श्री हनुमान जी की
आप सेवा कर सकते हैं या उनकी आराधना कर सकते हैं, या मंगलवार के दिन आप मीठा चढ़ा सकते हैं भगवान श्री हनुमान जी को, राम नाम का जाप भी अच्छा रहेगा, ये भी कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ सूर्य खाना नंबर 6 के फल जो लाल किताब के अनुसार है। हाँ, एक चीज़ और, सूर्य खाना नंबर 6 में हो तो इसके मामों को कई बार दिक्कत आती है फाइनेंशियली या सेहत के संबंध में बड़ी दिक्कत आती है, तो उस समय में बंदर को गुड़ खिलाना बहुत ही अच्छा उपाय माना गया है। यानी कि आप उस समय में बंदरों को गुड़ खिलाएंगे तो मामा खानदान की किसी ना किसी तरह से मदद हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में नीचे अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर करें व ज्योतिष के प्रेमियों तक पहुँचाना इसे ना भूलें। शीघ्र ही मैं आपसे मिलूँगा सूर्य खाना नंबर 7 के फल के साथ। तब तक के लिए राम राम।